मीडिया की डिबेट में जनता के मुद्दों पर चर्चा इसलिए की जाती है कि जनता की परेशानियों पर उन्हें समाधान मिले, पर गोदी मीडिया की डिबेट में ना चर्चा होती है, अगर चर्चा हो भी जाए तो समाधान नहीं निकलता। पर आज बात करते हैं संदीप चौधरी की, जो अक्सर जनता के मुद्दे अपने डिबेट के जरिए उठाते हैं और बीजेपी के प्रवक्ताओं को समाधान देने के लिए कहते हैं। किसानों के मुद्दे पर न्यूज 24 पर डिबेट हुई। इस डिबेट में संदीप ने बीजेपी के प्रवक्ता से कृषि बिलों के वापस लेने के फैसले और अन्य मांगों पर सवाल की। देखते हैं बीजेपी प्रवक्ता का जवाब कि उत्तर प्रदेश में ये किसान आंदोलन नुकसान ना कर दे, क्या वो इनपुट्स आने लगी थी? यकायक आज गुरु नानक जयंती पर वो फैसला सुना दिया जाता है। अभी तक तो किसानों को आतंकवादी, खालिस्तानी, नक्सली, थलुए, गुंडे, न जाने क्या क्या बताया जा रहा था, और इन कानूनों के फायदे गिनवाए जा रहे थे। अगर ये फायदेमंद है तो कुछ किसानों के कहने पर आपने वापस लिए, या दरअसल चुनाव में नुकसान का अंदेशा था? मैं आपको जवाब देता हूं। जो कानूनों की इंटेंट है संदीप जी, इंटेंट जो है उसको लेकर के कहीं कोई असहमति नहीं है। कौन नहीं चाहता? जो हम करना चाहते हैं किसान भी वही चाहते हैं। यही नतीजा है कि देश के ज्यादातर किसान इन कानून के साथ खड़े थे, इनके जो रिजल्ट हो गया उसके साथ थे। हम सबको साथ लेके चलना चाहते हैं, प्रयास ही है। अच्छा, दूसरे अगर जब संवाद में कहीं कोई कमी हुई या और कोई कारण हुए, कुछ लोगों ने आकर के उसके डिफरेंट इंटरप्रिटेशन दिए, ठीक है, बैठेंगे उनसे, कर तो किसानों के लिए रहे। दिल्ली में बढ़ते एयर पोल्यूशन के मुद्दे पर हुई डिबेट में संदीप चौधरी ने बीजेपी प्रवक्ता से समस्या के समाधान को लेकर सवाल किया। देखते हैं कि क्या वह समाधान दे पाए या फिर विपक्ष की ही आलोचना करते रहे। नरेंद्र तनेजा, आप तो जानते हैं सरकारों के कार्यशैली को। मुझे ये बताइए, कितनी बैठकें हुई हैं कि जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री, हरियाणा के मुख्यमंत्री, दिल्ली के मुख्यमंत्री और केंद्र सरकार के संबंधित मंत्रियों के बीच बैठक हुई हो, मंथन हुआ हो कि जी अब अक्टूबर नवंबर आने वाला है, हम प्रदूषण को कैसे कम करेंगे इस बार? नहीं, इंस्टीट्यूशनलाइज आपने बिल्कुल का कोई इंस्टीट्यूशनलाइज मैकेनिज्म नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने सुबह 11:30 बजे कहा तो शाम को 5 बजे इमरजेंसी बैठक बुला ली गई। उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री तो गोवा में बैठे हुए हैं, और जबकि यहाँ एक तरह से इमरजेंसी लगी हुई है, लेकिन वो वहाँ गोवा में राजनीतिक अपनी वो काम करें। मैं किसी कोई कटाक्ष पे नहीं कर रहा ना, मैं ये कह रहा हूँ कि ये कुल मिलाकर के अभी तक जो है इस पर पॉलिटिकल बहस से नहीं होगा। इन सारे राजनीतिक दलों को आगे आना पड़ेगा, एक नेशनल बॉडी हमको बनानी पड़ेगी जो वैज्ञानिकों की हो, और इसका और वो जो समाधान है उसको ढूंढना पड़ेगा। वरना एक दूसरे पर आरोप लगाने से प्रदूषण कम नहीं होता, महंगे विज्ञापन देने से प्रदूषण कम नहीं होता। लखीमपुर खीरी के मुद्दे पर हुई डिबेट में संदीप ने बीजेपी प्रवक्ता से जांच में हो रही देरी को लेकर सवाल किया, जिस पर बीजेपी प्रवक्ता बात को गोलमोल करते रहे, जिस पर संदीप ने उन्हें सही से जवाब देने को कहा। ये जांच की निष्पक्षता को लेकर हर सुनवाई में सवाल उठ रहे, निष्पक्ष जांच हो रही है, क्या ये भरोसा जनता में कायम कर पा रही है उत्तर प्रदेश सरकार? संदीप जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि ये हाई प्रोफाइल केस, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसमें कि 8 लोग जान गए, 4 किसान भाई थे उनकी भी जान गई, और SIT टीम जो है गठित की गई, वो अपनी जांच कर रही थी, बखूबी जांच कर रही थी। परंतु जिस प्रकार से इंस्ट्रक्शंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिल रहे हैं, तो फिर सरकार को दोबारा सोचना पड़ रहा है, उस पर दोबारा कार्य करना पड़ रहा है। परंतु मैं ये जानती हूँ कि जो जनता है उसको भरोसा है। आप कह रही हैं भरोसा है, लोगों को है, सुप्रीम कोर्ट को भरोसा नहीं है। यही सवाल 8 नवंबर को पूछे थे कि इस SIT में लोकल ऑफिसर्स क्यों? आज पॉइंटेडली कहा जा रहा है कि वहां के सब इंस्पेक्टर, उस इलाके के सब इंस्पेक्टर इस जांच में शामिल हैं। महंगाई के मुद्दे पर न्यूज 24 पर हुई डिबेट में संदीप ने बीजेपी प्रवक्ता से पेट्रोल डीजल के दामों को और कम ना करने पर सवाल किया, जिसमें वह बात को इधर उधर घुमाने लगे, पर संदीप ने उन्हें सही जवाब देने को कहा। जब भी यहाँ पर हम 100 रुपए प्रति लीटर देते हैं पेट्रोल के लिए, लगभग 42 रुपए प्रति लीटर को राज्य सरकार खा जाती है। राजस्थान की सरकार लगभग पेट्रोल पे 42। गलत आंकड़ा दे रही है महाराष्ट्र की सरकार। संजू वर्मा, मेरे शो पर गलत आंकड़े नहीं चलते हैं। बेस प्राइस 32 रुपए नहीं रह गया है, 47 रुपए है। आंकड़े चेक करके आया कीजिए। आप मुझे बता रही हैं वैट 42 रुपए और यहाँ पर एक्साइज 27 रुपए 90 पैसे। गलत आंकड़े मत दीजिए। और 3,74,000 करोड़ अगर कमाए हैं, उसमें से 18,000 करोड़ ही राज्यों के पास गए और बाकी 3,54,000 करोड़ क्या केंद्र के खाते में गए? इसका जवाब दीजिए। नहीं, आंकड़े गलत नहीं है। आपकी प्रॉब्लम क्या है? आपके आंखों पर कांग्रेस की पट्टी लगी हुई है। आपको कांग्रेस का गलत भी सही लगता है, बीजेपी का सही भी गलत लगता है। ये खामखां की बातों के लिए नहीं आया हूँ मैं यहाँ पर, ना आपको न्योता दिया है। गलत आंकड़े हैं आपके, रिविजिट करने का मौका दूंगा, खुला मंच आपको दूंगा।
आप संदीप चौधरी के बारे में जो भी राय रखते हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लेकर भी अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।